नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपको जो कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ वो सीरियल एंड पल्सेस एंड अदर वेजिटेबल्स का है, यानी लौकी है इसमें, बेसन और गेहूं का आटा। मतलब ये लौकी के मुठिये हैं, और लौकी के जो मुठिये होते हैं वो हम इवनिंग स्नैक्स और इनमें खा सकते हैं, और टिफ़िन में आराम से ले जा सकते हैं। और चूंकि ये बिल्कुल कम तेल के बने हुए हैं और इनको भाप देके स्टीम देके बनाया जाता है, तो ये बहुत ही पौष्टिक भी होते हैं। अब इनका हम तरीका देखते हैं कैसे बनते हैं ये लौकी के मुठिये। बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हम एक लौकी लेंगे, आधा किलो की एक लौकी ले लेंगे, इसको छील के और ग्रेट कर लेंगे, घिस लेंगे। और दो कटोरी हम इसमें गेहूं का आटा और आधी कटोरी बेसन, इसमें हम जो घिसे हुई हमारी लौकी है वो हम इसमें डालेंगे। और हरे मसाले में हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, जो आपका टेस्ट का अनुसार हो, लेकिन फिर भी हमको दो या तीन हरी मिर्च और एक डेढ़ इंच अदरक हमको लेना है। इसको हम दरदरा पीस लेंगे। और हम इसमें लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैंने लहसुन का मसाला बना रखा है। लहसुन, नमक और लाल मिर्च को पीस करके, ग्राइंड करके और एक मसाला बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो मसाले गिरते हैं वो है गरम मसाला, नमक, हल्दी, हल्दी बहुत कम गिरती है, और सूखा धनिया पाउडर। और नमक मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि मेरे जो ये मिर्च वाला मसाला है, लहसुन वाला, उसके अंदर नमक है। तो ये जो मसाले हैं वो इसके अंदर गूंथे भी जाएंगे और थोड़े से छोंकने में भी काम में आएंगे। और जब हम इसको छोंकेंगे मुठिये को, तब हमको राई, जीरा और हींग की ज़रूरत होगी। और हमने 4 टेबलस्पून तेल लिया है, थोड़ा इसमें मोयन डालने के लिए और छौंकन के लिए ज़रूरत होगी, और करी लीव्स की इसमें ज़रूरत होती है। अब जो लौकी के मुठिये किस तरह से बनाते हैं उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब इस आटे और बेसन के अंदर हम सारा घिसा हुआ ग्रेटेड लौकी डाल देंगे, और ये जो हमने हरा मसाला बनाया था वो हम आधा इसमें डाल देंगे, आधा इसके छौंकन में डाल देंगे। और उसके अलावा हमको जो इसके मसाले हैं वो हम आधे आधे इसमें डाल देंगे और थोड़े छौंकन के लिए रख लेंगे। और उसके अलावा 2 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे मोयन का। और अब हम इसको गूंथ लेंगे, और इसमें बहुत कम ही पानी की ज़रूरत होती है, बिना पानी के ही ये बन जाएंगे। अब हम इसको गूंथ लेते हैं। हमने पानी उबलने के लिए रख दिया था, ये इडली मेकर है, और इसमें नीचे तक हमने पानी भर दिया और ये हमने लगा दी। यहाँ तक पानी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। और अब हम जो ये 4 बेले बनाए हैं हमने, जो सिलेंड्रिकल शेप के, वो हम इसमें रख देंगे। और करीब 40 मिनट हम इसको पहले थोड़ी देर तक हाई पर ही रहने देते हैं, फिर थोड़ा लो कर देंगे और 40 मिनट तक पकाएंगे। 40 मिनट हो गए हैं, और अब ये जो हमने बेले गट्टे रखे थे ये पक चुके हैं, और इनको हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे और कट करेंगे। लौकी के मुठिये
बिल्कुल तैयार हो गए स्टीम होके। और अब हमने इसमें तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद में ये गरम राई जीरा डाल दिया और अब हम करी पत्ते डाल के और प्याज डाल देंगे। प्याज ऑप्शनल है, प्याज डालो तो ठीक, नहीं तो हम सीधा ही जो ये हरा वाला मसाला था हमारा वो भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज से ये थोड़े अच्छे लगते हैं तो प्याज हम इनको भून लेंगे। प्याज थोड़ा भुन गया है तो हम हरा वाला मसाला भी डाल देंगे, मतलब अदरक और हरी मिर्च, इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब ये भुन गए, हम जो बाकी मसाले हैं वो डाल देंगे, जो भी आपके टेस्ट के अनुसार डालना चाहें हम इसमें डाल सकते हैं। चाट मसाला भी हम आखिर में, अगर खट्टा पसंद है तो चाट मसाला डाल सकते हैं, और एक नींबू का रस भी हम इसमें निचोड़ के डाल सकते हैं, जैसा भी टेस्ट हमको पसंद है। ये एक पूरा बेस हो गया और उसके बाद में जैसा हमको खट्टा पसंद है वो हम इसमें ऐड करके और बना सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इस तरह से ये लौकी के मुठिये जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और खटाई के लिए हम इसमें चाट मसाला या नींबू ऐड करके और खा सकते हैं।